Hey guys, welcome back to my channel, पूजा मोहित ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ कुछ रिवील। गेस व्हाट? सो आज मैंने मंगाया है, मतलब मैंने दो तीन दिन पहले ही ऑर्डर डाल दिया था और मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि इतनी छोटी सी चीज मंगाई, वो भी इतने डब्बे, इतने बड़े डब्बे में पैक होके आई है। तो मेरे को पहले तो डाउट हो रहा है, शायद फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे साथ कुछ, क्योंकि एक दो बार मैंने ऑर्डर किया है तो उसमें मैंने जो भी मंगाया उसके अपोजिट ही बिल्कुल आया है। तो मैंने एक लिपस्टिक ऑर्डर की थी, तीन चार दिन हो गए, मतलब हमेशा मैं फ्लिपकार्ट या मीशो का ऑर्डर थोड़ा फास्ट होता है बट फ्लिपकार्ट का हमेशा 4 या 5 दिन नॉर्मली लग जाती है, तो 4-5 दिन शायद हो गए। तो मैंने एक 200 की लिपस्टिक ऑर्डर की थी, तो मैं सोचा क्यों ना आप सभी को दिखाऊं। तो मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं की है, तो मैंने मतलब मैं बहुत कम मेकअप का सामान, मतलब बहुत कम मेकअप का सामान ऑर्डर करके मंगाती हूँ। मैं ज़्यादातर शॉप से ही लेके आती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, मेरे को क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं होता है और ज़्यादा मैं पैसे इन सब चीज़ों पे ऑनलाइन नहीं खर्च करती। मतलब मेरा देखो अपना जितना बजट है तो खुद जाके एक बार देख के ही लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे लगता है शायद जो दिखता है वो नहीं आता, वो मेकअप में थोड़ा डाउट होता है बस। अदरवाइज कपड़े वगैरह तो सभी ऑर्डर मतलब मंगाते रहते, जैसे कुर्ती उर्ती कोई अच्छी लगी या फिर स्लीपर वगैरह ये सब चीज़ें तो आ जाती हैं, बट मेकअप का बहुत कम बाई चांस ही मंगाती हूँ। तो मेरे को ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो बार बार ऐसा करते हैं ना कुछ ही अपन चलाओ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक तो वो एक दूसरे, तो बार बार ये उसी में आके आ रही थी। मुझे क्यों ना इसको मंगा के देखती हूँ, और मेरे को ज़्यादातर इस तरह के कलर बहुत पसंद है, तो अनबॉक्स करते हैं देखते हैं कैसी निकलती है, फिर मैं लगा के भी दिखाऊंगी आप सभी को। और आप देखो इतनी सी लिपस्टिक छोटी सी इतने बड़े डिब्बे में पैक होके आई है, बाप रे। तो लिपस्टिक ही है, कुछ और तो नहीं भेज दिया फ्लिपकार्ट वालों ने। तो ये जो उल्टा दिख रहा है फ्लिपकार्ट, इसमें अभी भी उल्टा दिख रहा है तो खोलते हैं। और मैंने तो कुछ लिया ही नहीं इसको खोलने के लिए, और मैं इसको खोलने के लिए चाकू वगैरह कुछ भी नहीं लाई, पर मेरे पास नेल्स है, नेल्स कब काम आएंगे, बट मेरे भी तो छोटू से हैं क्योंकि मैं भाई हाउस वाइफ हूँ, घर के सारे काम करती हूँ तो मेरे नेल्स नहीं बड़े होते, बट हाँ मम्मी के पास जाती हूँ तो मेरे नेल्स पक्का से बड़े हो जाती हैं। कुछ आप मुझे छुरी लेके बैठना था यार, या जोर लगा के कौन मेरी तरह से, ओ पता मैं कभी भी कोई चीज मंगाती हूँ ना तो मेरे को हल्की हाल उसको खोल के देखना होता है, पर जब ये ऑर्डर आया तब लाइट नहीं थी और 4 घंटे हो गए, 4 घंटे से बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा सब्र किया, मैंने कि लाइट आने दो मैं तभी अनबॉक्स करूँ, क्योंकि मेरे को सीधा एकदम एक्साइटमेंट इसकी खत्म नहीं करनी है, मेरे को डायरेक्ट दिखाना है आप लोगों को कि कुछ जो दिखता है वो निकलता है। चलो तो 200 की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर खराब भी निकलेगी तो तब भी दुख लगता है क्योंकि भाई इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि 200 ये सब दिखावटी काम होते हैं बड़े बड़े लोगों के बोल जाने काफी अच्छी है, बट इतने बड़े डिब्बे में देने क्या जरूरत थी, छोटी सी पॉलिथीन भी तो आती है उसमें, मतलब छोटे से डिब्बे में भी दे सकते थे, पर कोई नहीं मुझे इसको देख के डाउट हुआ शायद मेरा ऑर्डर कुछ, मतलब मैंने कुछ और मतलब लिपस्टिक मंगाई, शायद इन लोगों ने कुछ और भेज दिया, बट अभी भी मैंने वाओ माय गॉड मैंने फर्स्ट टाइम लिपस्टिक मंगाई बट मेरे 200 है, मुझे बेकार नहीं लग रही है। अभी इसको खोलती हूँ क्योंकि शॉप पे मैं नॉर्मली लेने जाती हूँ तो इसी तरह की मिलती है, और होप करती हूँ कि कलर बस अच्छा निकले, क्योंकि मैंने जो मंगाया था वो वाला कलर नहीं निकला तो फिर क्या मतलब लिपस्टिक की कलर अच्छा हो, अदरवाइज तो मैं ज़्यादातर मेरा सबसे फेवरेट कलर है रेड, मैं रेड की क्वीन, मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर मैं रेड ही कलर आप लोगों ने देखा होगा रेड ही लगाती हूँ। वाओ इट्स अमेजिंग यार, मतलब कसम से ये तो मैंने कहीं सोचा ही नहीं था, इतना प्यारा कलर, ओ माय गॉड
अब तो पक्का मैं इसके 2-3 पीस मंगाने वाली हूँ पक्का से, क्योंकि ये शॉप पे मुझे 200 की कभी भी नहीं मिलती और इतनी अच्छी। बस थोड़ी सी इसको लगा के देखते हैं, बस 2 मिनट रुको मैं लगा के आती हूँ जस्ट। सो गाइस मैंने लगा ली है और बहुत ही अच्छा कलर है, बट मैंने डार्क करके लगाया और बिल्कुल मैट है ये देखो, लगाने के तुरंत ये देखो मतलब लगाने के तुरंत बाद ही बिल्कुल सूख जाती है और ज्यादा वैसे ड्राई टाइप की नहीं होगी, बस डार्क कलर है और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी भी मैंने फेस पे कुछ भी लगाया नहीं है, जब अपन प्रॉपर पूरा मेकअप करते हैं अच्छे से रेडी होते हैं तो लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। बहुत ही प्यारा कलर है, मैंने सेम ऐसा ही कलर मंगाया था, मुझे सेम टू सेम वैसा ही मिला है। 200 में क्या मतलब क्या मिलता है 200 में, जैसा मैंने देखा था वैसा ही पाया है। सो आप लोग भी मंगा सकते हैं इसको, तो ये बिल्कुल ही मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए। और मेरा जब से माइंड घूम रहा था ना कि पता नहीं क्या आया होगा, और इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है ना बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसके 1-2 कलर और मंगाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल मतलब ये देखो बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, थोड़ी बहुत भी निकलती बिल्कुल भी नहीं निकल रही लिपस्टिक। और अभी रेडी नहीं हूँ तो लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है अभी। और हाँ, किस किसने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली इस बार, शायद मैं ना करूँ, मतलब तो साड़ी वाड़ी खरीदने का मेरा कोई प्लान है नहीं है, और लास्ट टाइम पे ले लूँ इसका कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं मना कर रही हूँ परी पापा से मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास रखी है ऑलरेडी, मम्मी के पास भी रखी है, तो मैं सोचा क्यों फालतू में लूँ, क्योंकि मेरे को अभी मेरे को 7 तारीख का मेरा रिजर्वेशन हो गया कोलकाता का, क्योंकि मैं और मम्मी कोलकाता जाने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग काली माता की मूर्ति देने जा रहे हैं। मतलब मम्मी ने वहाँ पे बोल रखी थी कि भैया की मतलब भैया लोगों के ऊपर मनोकामना बोली थी कि उनकी मनोकामना जो भी पूरी हो जाएगी तो काली माता की मूर्ति चढ़ाएंगे, जिस दिन दीपावली होती है उसी दिन मूर्ति की स्थापना होगी। तो मेरा और मम्मी और वर्षा तीनों लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे 7 नवम्बर को, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, 10-15 दिन है अभी, तो इस बार दिवाली मेरी बहुत ही अच्छी मनने वाली है। और वहाँ के कोलकाता का जो काली पूजा वगैरह होती है वो सारे बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लॉग आने वाले हैं अभी। तो उसके ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, यू अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और अभी करवा चौथ की शॉपिंग भी मेरे को करनी है, थोड़ी बहुत बिछिया वगैरह खरीदनी है, तो हम जाएंगे थोड़े दिन 2-4 दिन बाद थोड़े पास में। और घर की साफ सफाई भी करनी है, नवरात्र का भी 2 दिन बचे हैं, इस बार नवरात्र बहुत गंदे गए हैं, और इस बार थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई है मोहल्ले में, उसके बारे में अभी नहीं, बाद में बात करूंगी आप सभी से। सो बाय, इसके लिए इतना ही।